हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीर काठी रोल की रेसिपी, जिसकी शुरुआत कोलकाता में हुई, लेकिन आज ये पूरे इंडिया में एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड हो गया है। ये इतना डिलीशियस बनता है कि जिसे पनीर नहीं भी पसंद है ना, वो भी इसका फैन हो जाता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल होमली एंड हेल्दी किचन। पनीर काठी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, जो कि 200 ग्राम के लगभग में लिया है, और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में हम काट लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे अपने मन पसंद के किसी भी आकार में काट सकते हैं, आप इसे लंबे लंबे शेप में भी काट सकते हैं, बट स्ट्रीट फूड में ऐसे ही हमें मिलता है पनीर टिक्के रोल में पनीर, तो इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक हरा शिमला मिर्च लिया है और इसे भी हम छोटे छोटे आकार में काट लेंगे क्यूब्स के शेप में। और आप यहाँ पे किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एक क्रंचीनेस के लिए हम ये सब्जियों का यूज करते हैं। यहाँ मैंने लाल शिमला मिर्च भी ले लिया है और इसे भी हम सेम तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ मैंने येलो शिमला मिर्च ले लिया है और उसे भी सेम तरीके से काट लेंगे हम। बट यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जैसे मन करे ना आप वैसे काटो। एट द एंड ये आपका पनीर कबाब काठी रोल बन रहा है, तो ये आपको जैसे खाना है ना आप वैसे काटो और वैसे बनाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो पनीर कट करके रखा हुआ था, उसके लिए मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। मैरिनेशन रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग में दही लिया हुआ है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मैंने कुछ मसालों का यूज किया है, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, इससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मैंने हींग का यूज किया है। और हम यहाँ पे कसूरी मेथी का भी यूज करेंगे, इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो आपके पास है ये, आप तो आप ये जरूर यूज करो। सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, आप जरूर ट्राई करो एक बार। इस तरीके से आप ट्राई करोगे ना तो पनीर काठी रोल के ना फैन हो जाओगे। मैंने पनीर काठी रोल सबसे पहली बारी कोलकाता में ट्राई किया हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सबसे पहली बारी कहाँ पे खाया है। जब से मैं ये खाई ना, फिर मैं इसे घर पे ही खुद से इसी प्रोसेस से मैंने ट्राई किया और ये बहुत ही डिलीशियस बना, तो आप इसे जरूर ट्राई करो। फिर मैंने जितने भी इसमें पनीर क्यूब्स कट करके रखे हुए थे वो डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। स्टेप में मैंने यहाँ एक बोल लिया है जिसमें हम पनीर काठी रोल के लिए उसका बेस तैयार करेंगे। बेस के लिए मैंने 1 कप गेहूं के आटे का यूज किया है, 1/2 कप मैदा लिया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम और 2 चम्मच के लगभग में दही डालेंगे। और सभी चीजों को अच्छे से मिला के हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें गूंद करके सेम ऐसे ही डो तैयार करना है। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल डो तैयार करेंगे हम। और पनीर काठी रोल के लिए आप प्लेन रोटी का भी यूज कर सकते हो, प्लेन पराठे का भी यूज कर सकते हो। यहाँ मैं लच्छा पराठा बनाने के लिए ये डो तैयार कर रही हूँ। और आटे को अच्छे से गूंद करके हम इसे ढक देंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के। और नेक्स्ट स्टेप में हम एक ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने पुदीना ले लिया है कुछ, और पुदीना जितना लिया है उसका 1/2 धनिया का पत्ता का यूज किया है, और 2 छोटे टमाटर,
और 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे हम। और थोड़ा सा टेस्ट और भी इनहेंस करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच के हिसाब से दही डाल सकते हो, उससे टेस्ट और भी काफी अच्छा बढ़ जाता है चटनी का। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। इसमें कुछ मसाला डालेंगे हम, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी चीजों को लो फ्लेम में एकदम हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आप भून ले, फ्लेम एकदम ही लो रखें क्योंकि हाई रखोगे तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि ये पाउडर मसाला है। तो आप इसे ध्यान से पकाओ। फिर जो भी हमने कट करके रखा हुआ था ना सब्जी, वो डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे, टॉस कर लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, आपको इतना ही पकाना है कि उसकी ऊपर की जो स्किन है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बस। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ मेरा मसाला भी भून चुका है और सब्जी भी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी टाइम पे हम थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे, इससे स्वाद काफी अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा और फीलिंग बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। आप इसके जगह पे टोमेटो प्यूरी का भी यूज कर सकते हो। और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो मैरिनेट करके पनीर रखा हुआ था ना, अब वो डाल देंगे हम। और इसे अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। आप देखोगे कि जो दही है ना वो भी अपने आप पानी छोड़ने लग जाएगा, तो ये हमारी थोड़ी जूसी टाइप की बनेगी। आपको बहुत ज्यादा इसे हार्ड नहीं करना है, सूखा हुआ नहीं बनाना है, थोड़ी जूसी रहेगी ना तो ये खाने में काफी अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए हम इसे जूसी ही रखेंगे। और आप इसे थोड़ा देर पकने दें और चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से। एकदम रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हो कितनी टेस्टी लग रही है। नहीं, हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम सैलेड रेडी कर लेंगे। सैलेड में मैंने छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को काट लिया है और जूलियंस स्लाइसेस मैंने पत्ते गोभी को काट लिया है और 1 कप वो लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा खट्टेपन के लिए मैंने यहाँ नींबू डाला हुआ है और धनिया और मैंने मिर्च को बारीक काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। और ये बहुत ही सिंपल सैलेड है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, तो आप ये जरूर ही बनाओ। इसके जगह पे आप प्याज का भी यूज कर सकते हो, सैलेड आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। फिर आइए हम चेक कर लेते हैं, जो हमने सेट होने के लिए आटा रखा हुआ था ना वो देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेट हो चुका है, थोड़ा सा हम इसे हाथों से मिला लेंगे और इसकी लोइयां काट लेंगे और अच्छे तरीके से इसे बेल लेंगे। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर आप लच्छा पराठा पहली बार बना रहे हो ना तो मैं आपको बता दूं ये बनाना बहुत ही ईजी है। जब मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे बहुत ही टफ लग रहा था ये, बट बहुत ही सिंपल वे में ये बनता है। तो मैं जैसे प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ सेम आप वैसे ही फॉलो करो, जैसे आप रोटी बेलते हो ना सेम वैसे ही गोल से आकार में हम इसे बेल लेंगे। फिर चारों तरफ से हमने इसमें घी लगा दिया है, आप बटर का भी यूज कर सकते हो। फिर सूखा मैदा या आटे से हम इसे चारों तरफ से स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम पूरा मोड़ लेंगे।
सेम ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो में, वैसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और हमारा ये लच्छे पराठे का जो डो है वो बनके रेडी हो जाएगा। फिर जो जलेबी होती है हमारी चक्री, वैसे ही इसे गोल घुमा के मोड़ देना है और सेम एक चक्री का रूप दे देना है। और ये हमारी लच्छे की जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब सूखे आटे का हेल्प से हम इसे चारों तरफ मिला के बेल लेंगे। आप इसे बहुत ज्यादा मोटा ना बेलें, इसे पतला ही रखें, क्योंकि ये पतला खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और क्रंची भी बनती है। यहाँ मैंने गरम तवा लिया हुआ है और इसमें हम अपने पराठे को सेक लेंगे, दूसरे साइड से पलट करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका ले। हम यहाँ फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना ही बिल्कुल लो रखना है हमें फ्लेम, ना ही हाई रखना है। अगर आप लो फ्लेम पे पकाओगे तो पराठे जो है वो बहुत ही कड़े बनेंगे, और अगर आप हाई फ्लेम पे पकाते हो तो वो जल जा सकता है, इसलिए फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसमें ऑयलिंग या बटर का यूज करते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये सिक गया है पराठा, आइए अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के लिए हमने जो ग्रीन चटनी रेडी की हुई थी वो इसके ऊपर से लगा देंगे अच्छे तरीके से। और हमने जो फिलिंग रेडी किया हुआ था ना पनीर का, वो इसके ऊपर से डाल देंगे। आप देख रहे हो दोस्तों कितनी डिलीशियस लग रही है, नहीं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, एकदम ही कलरफुल ग्रीन चटनी की जो खटास है और जो पनीर की फीलिंग जूसीनेस है वो एक रोल को अलग ही टेस्ट देती है। इसके ऊपर से हम सैलेड डाल लेंगे, इससे क्रंचीनेस वाला टेस्ट आता है। आप इसके ऊपर से प्याज भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हो। फिर इसके ऊपर से चाट मसाला डाल लिया है मैंने, और ये हमारी रोल बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। तो ये हमारी सुपर डिलीशियस पनीर काढ़ी रोल बनके रेडी है। तो आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें एक बार, और आप इसे खाएं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को खिलाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे वीडियोस को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।